भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज आप समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्थित हैं। कुछ विधायक जो आपके साथ फ्लोर पे खड़े थे आज चर्चा ही हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे दल में हाथ मिला रहे हैं लोकसभा के लिए। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है शायद, क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। आजाद विधायकों के द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हरियाणा सरकार बहुमत की सरकार है, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अंकगणित को देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो आज सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन है और जिस वजह से सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी अगर हम कानूनी दृष्टि से बात करें, संवैधानिक दृष्टि से बात करें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले विधानसभा सत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी जो गिर गया था। और कानून ये कहता है कि 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो चाहे हम संवैधानिक दृष्टि की बात करें, कानूनी दृष्टि की बात करें, अंकगणित की बात करें, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है।